हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नई वीडियो नए व्लॉग में। बहुत दिनों से व्लॉग्स शूट नहीं कर रही हूँ क्योंकि थोड़ी तबीयत खराब सी थी, लो फील कर रही थी और अच्छा नहीं लग रहा था तबीयत, और बिजी भी थी स्टूडियो के उस प्रैक्टिस में, तो इसीलिए व्लॉग नहीं शूट कर पा रही थी। तो आज मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ। आज है हमारा इवेंट डे और अभी सुबह के 7 बज चुके हैं और नन्नू के पापा भाई साहब आज जा रहे हैं वापस नेपाल, तो उनको ड्रॉप करने हम आए हैं। उनकी ट्रेन है हरिद्वार की, तो यहाँ से वो हरिद्वार जाएंगे। आगे उनका आगे की बुकिंग है नेपाल जाने की, मुझे नहीं पता क्या रास्ते हैं, तो अभी उनको स्टेशन छोड़ने आए हैं। इनको स्टेशन छोड़ के तो आज पतिदेव आ रहे हैं मेरी परफॉर्मेंस देखने, तो पूरा इवेंट देखने। उनको बहुत पसंद है ये इवेंट देखना और शुरू से देखते आए हैं, जब से हमारी शादी भी नहीं हुई थी तब से वो ये शो देखते हैं, तो उनको ऐसे होता है कि हाँ मैंने देखना है। तो वो आ रहे हैं, फिर उनको पिक करने भी जाना है, फिर मैंने रेडी भी होना है, बाकी कॉस्ट्यूम वगैरह सब घर पे तैयार करना है। जो भी पूरे दिन में होता रहेगा वो मैं आपको दिखाती रहूँगी। हम पहुँच गए हैं रेलवे स्टेशन, तो अपनी ट्रेन की वेट कर रहे हैं हम। तो मम्मी को बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही, हमारा डिब्बा कहाँ आएगा, हमारी ट्रेन कहाँ आएगी, हम वो कितनी देर रुकेगी। तो मम्मी को बड़ी टेंशन हो रही है तब से, तो मम्मी सवाल पर सवाल हमसे करी जा रहे हैं। तो देखते हैं अब मम्मी की फिक्र ठीक रहती है कि नहीं। कहाँ जा रहे हैं मैडम? मैं कहीं नहीं जा रही, खड़े खड़े की थी तो मैं बैग में तरस करो कुछ है? ये बैग है, कुर्सी नहीं है, हाथी घोड़ा नहीं है। बताओ, हाँ बताओ, कहाँ की टिकट है? मेरी घर की टिकट चेक करा, ये प्लेटफॉर्म की टिकट। अच्छा, तो यहाँ क्या करने आए हो? हम भाई साहब को छोड़ने आए हैं। अच्छा, हाँ जी भाई साहब, ये बैग आपका सही सलामत चल जाएगा? वहाँ पे जाके पता चलेगा, अब तो वहीं जाके पता चलेगा सही है कि नहीं। बीच का सामान सही सलामत रह जाएगा? पता नहीं। तो भाई साहब को छोड़ के हम आ गए वापस। वहाँ पे बहुत ज़्यादा हड़बड़ाहट हो गई थी हमारी, क्योंकि हम पीछे खड़े थे, ट्रेन के डिब्बे आगे जाके सेट होने थे तो हम पीछे रह गए काफ़ी। तो मम्मी ने भाग भाग के और उन्होंने भाग भाग के अपनी ट्रेन पकड़ी है, मैं तो भाग नहीं सकती थी। तो ये हुआ, उसके बाद एक कांड ये हुआ कि गाड़ी की जो पार्किंग स्लिप थी वो घुमा दी मम्मी के हाथ से, ऐसी हड़बड़ाहट में कहीं गिर गई। तो फिर वैसे पे हमने पहले ही कर दिया था, तो उन्होंने ज़्यादा तंग नहीं किया, हमें जाने दिया। तो अब हम आ गए घर, अब करते हैं बाकी के काम, आज बहुत काम है, आज हैक्टिक डे। घर आते ही होने लगा है नाश्ता, ये देखो नमक वाला परांठा, और मैं ऐसे चूर चूर करके खाती हूँ वैसे परांठा सारा, ऐसे एक बाइट्स में तोड़ लेती हूँ फिर चाय के साथ खाती हूँ। अभी हो गया है नोबिता का घूमी टाइम, नोबिता को बाहर सैर करवाने आई हूँ, इसको सैर करवा के फिर तैयार होना है। मैंने नोबिता को घुमा के लाके और मैंने नहा लिया है, नहा के मैंने अपने कॉस्ट्यूम का ही टॉप पहन लिया है। और इस बीच में क्या हुआ, गिरीश पहुंच गए थे जहां से उन्हें पिक करना था, और मैं वॉशरूम में थी, उनका फ़ोन नहीं उठा पाई, तो फिर मम्मा ने फ़ोन उठाया और सीमा आंटी के बड़े बेटे अभी को भेजा है गिरीश को पिक करने, तो अभी गिरीश अभी के साथ आ रहे हैं। अमाद जी अंगना में पधारे। मुंडे ना कलोल हो गई, अल मुल बैठ के मारे माता हे मेरी मां, मेकअप हाथ में लग रहा है, नहीं लगेगा कहीं भी। जब पीला पीला क्यों लगा रही हो मेकअप? ये कलर करेक्टर है, कलर करेक्टर आज तक तो लगाया नहीं है ऐसा कलर। लगाया, ये बेस से पहले लगता है। अच्छा, ओए ये कौन है? पापा आ गए। नमिता कहाँ घूम के आया झाड़ियों में? ये घूमने गया था ना। नविता कौन है? नविता गिरीश आ गया। गिरीश कौन हूँ मैं? कौन हूँ मैं? उन्हें पता है कौन है? अच्छी तरह पारियां। क्या हाल चाल नन्नू, कैसा है? ठीक ठाक, बढ़िया।
मैं भी बैठूंगा यहाँ पे, मेरे को भी यहाँ पे आके प्यार कर। गुड गुड गुड, शाबाश शाबाश शाबाश, हो गई पारियां पारियां। इसका हैप्पी बर्थडे था, हम तैयार हो गए हैं और गाड़ी पे बैठ गए हैं। तो मैं बहुत टाइम से तैयार हो रही थी। तैयार हुए हुए भी आप दिख रहे हो, गाड़ी में बैठे हुए भी आप दिख रहे हो। और कुछ बताओ। और ये है कि अब मेरी परफॉर्मेंस है और अभी छोटी मोटी तैयारियां मेरी रहती हैं, वो मैंने जाके अभी करनी है, जैसे पिंस लगानी है अभी थोड़ी सी, यू नो अभी थोड़ा है काम एक दो मिनट का, तो वो करना है जाके। और बाकी मेरी वहाँ पे भी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, अभी काम है, कुछ डिस्ट्रीब्यूट करनी है चीजें, प्रॉपर्टीज वगैरह वो सारा देखना है, सेटलमेंट करनी है, तो ये काम है, इसलिए मुझे जल्दी जाना है। तो थोड़ा सा लेट तो ऑलरेडी हो ही गए हैं, अब देखते हैं पहुँच के क्या होता है। और हमारे साथ आया है रिशु, हेलो, नन्नू और मम्मी। तो जब वही है, वही दिन है जब मैं सुबह आया हूँ, और उसके बाद अब हम तैयार होके जा रहे हैं इनकी परफॉर्मेंस देखने। आप इनके व्लॉग में भी देख चुके होंगे या देखोगे, मुझे कुछ नहीं पता ये व्लॉग बना भी रहे हैं कि नहीं बना रहे, किस ढंग का बना रहे हैं, सुबह से स्टार्ट किया कि नहीं किया, इतने दिनों से तो बनाया नहीं, तो मुझे इनका ऐसा कुछ पता नहीं है। तो मैं अभी गाड़ी मोड़ लेता हूँ पहले, कहीं मेरा ना पता लगे फिर। तो अभी हम जा रहे हैं और देखते हैं परफॉर्मेंस, हर बार ही देखते हैं। मैं कितनी बार जा रहा हूँ, मैं ये फोर्थ टाइम कि फिफ्थ टाइम? आप 17 से जा रहे हो, आप ये पहले से ही जा रहा हूँ, मेरे को लगता है सेकंड से जा रहे हो। अच्छा, पहला 16 में हुआ था, 17 18 19 20 21 23 छठी बार जा रहा हूँ मैं। तो मैं इनकी छठी बार परफॉर्मेंस देखने जा रहा हूँ, मेरे को अच्छा लगता है वहाँ का ना एनवायरनमेंट, अच्छा लगता है वहाँ पे। और हाँ, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है कि ये दोबारा जॉब करने लग गए, ये जॉब नहीं वहाँ पे करने लग गए हैं अभी, वहाँ क्या है, ये जो स्टूडियो है ना ये जलंधर में ही है, और वो जो स्टूडियो के मैम है और यूनिवर्सिटी के जो पीसी मैम है, तो बेस्ट फ्रेंड है, एक तरह के फ्रेंड्स हैं बहुत अच्छे, और रिश्तेदार टाइप भी है ना कुछ, तो मुझे फ्रेंड्स हैं। तो तब से वो जब भी वो एक फंक्शन है जो इनका स्टूडियो का फंक्शन है, एनुअल फंक्शन, तो ये वहीं पे करते हैं, उस फंक्शन का नाम है ड्रीम कैचर। तो इस तरह ये लिंक दोबारा यूनिवर्सिटी से जुड़ जाता है इस बात का। तो ये चक्कर है, लोगों को बहुत सारी कन्फ्यूजन हो रही है, मैसेजेस भी आ रहे हैं कि वहाँ पे दोबारा जॉब करने लग गए, ये वहाँ पे जाके सिखा रहे हैं ऐसा, ये स्टूडियो में सिखा रहे हैं, स्टूडियो के बच्चे हैं जो परफॉर्म करेंगे लवली यूनिवर्सिटी की स्टेज पे। तो ये क्लियरेंस है, क्लियरेंस। तो अभी हम जा रहे हैं, तो चलो चलिए आपको भी परफॉर्मेंस दिखाते हैं। सबकी चुन्नी का स्टाइल सही नहीं है, बाहर बोला गया है कि इसको सही किया जाए। क्या करना है, सीधा करना है इसको? बस इसको प्लीट्स को सीधा करना है। तो इनका जो फैकल्टी का ये है चेंजिंग रूम, तो वहाँ पे इनको छोड़ दिया है इंस्ट्रक्टर। ओके, इंस्ट्रक्टर रूम है जो वहाँ पे। तो ये बच्चों के बहुत सारे चेंज है ना, बार बार वो चेंज कर रहे हैं। फिर ग्रीन रूम दो है, उसमें एक में सामान पड़ा है काफी यूनिवर्सिटी का, तो फिर इसी बच्चों के साथ वैसे भी टीचर अच्छे नहीं लगते ना चेंज करते हुए। हाँ, तो फिर जैसे अदिति के भी काफी चेंजेस हैं बीच में, मेरा भी एक थोड़ा चेंज है, तो फिर हम यही हो जाएंगे आराम से। चलो आप कर लो चेंज, मैं जा रहा हूँ बाहर है। यहाँ पे फोटो बूथ बने हुए हैं और सब फोटोज खिंचवा रहे हैं, देखो कितना क्राउड इकट्ठा हुआ हुआ है। और इधर हमारा नन्नू, रिशु और मम्मी बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं कि हम ऑडियंस में जाके बैठे। यहाँ पर हमारे प्रभजोत मैडम पूरे जच गए हैं, सज गए हैं, ये देखो बूट को कैसे देख रहे हैं। ये मैं आपको बताता हूँ ये क्या है, इन्होंने ना मेरे लिए लिए थे ये शूज और खुद पहन के खड़ी है वहाँ पे, है ये कोई बात होती है, ऐसे कौन करता है। ऐसे मत करो, उनके चले गए, मुझे छोड़ के। चलो अब इनकी फोटो होनी है, पिक होनी है ग्रुप की, तो ये भाग भाग के जा रहे हैं। फाइनली पर पहुंच गई हैं, और ये जिनसे मिल रही हैं ये निधि मैम के हस्बैंड हैं, इनका एक ब्रांड है सोहन लाल एंड सन्स, ये पंजाब में जलंधर में ना इनका पूरा ब्रांडिंग अच्छी चलती है कपड़ों की, बहुत ज़्यादा अच्छे कपड़े हैं इनके। और ये है लीना मैम और निधि मैम के बहुत ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड, मतलब कि बेस्ट ही हैं पूरे अच्छे वाले, और ये पूरा स्टेज भी संभालते हैं। और प्रब अब जा रही है फ़ोटो खिंचवाने के लिए, वहाँ ऑलरेडी बच्चे पहले फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, क्योंकि ये जो बैकड्रॉप होता है ना ये सभी का फेवरेट हो जाता है जब यहाँ आते हैं, तो सभी जा जाके वहाँ फ़ोटो खिंचवाते हैं।
अपनी। तो प्रभ भी पहुंच गई है और सभी टीम मेंबर्स भी पहुंच गए हैं, और जो कोट पैंट में प्रभ के साथ खड़े हैं वो निधि मैम के बेटा है जो कि वैनकूवर में रहते हैं, वहाँ से स्पेशल ड्रीम कैचर के लिए आते हैं, और जब ड्रीम कैचर हो जाता है फिर हॉलीडे के लिए जाते हैं। और ये देखो अब अपनी अपनी टीम मेंबर्स को बुला के फ़ोटो खिंचवाई जा रही है। निधि मैम की बेटी है अदिति मित्तल, और अब इनका फ़ोटो सेशन हो रहा है यहाँ पे। शो शुरू हुआ नहीं है, इनका इंटरवल पहले शुरू हो गया, ये देखना। सभी मिलके यहाँ पे खाने लगे हैं सैंडविच। ओहो ये देखो नन्नो रिशु, चलो मैं भी खा ही लेता हूँ। माय नेम इज लीना एंड इट्स माय एब्सोल्यूट ऑनर एंड प्रिविलेज टू होस्ट दिस शो फॉर द लास्ट फ्यू इयर्स। सामने हर एज का बच्चा विल बी ऑन स्टेज। परफॉर्मेंस से पहले हमारा स्टेज सेटअप हो रहा है, क्योंकि कुछ प्रॉप वगैरह हम यूज कर रहे हैं, तो पहले सेटिंग करनी है, तो पहले सेटिंग करेंगे फिर परफॉर्मेंस शुरू करेंगे। And when I was seeing them perform the last 2 days with the prop and with everything, I had goosebumps. So I'm really excited for what you guys are going to experience today with all lights, sound and action. So sit back and enjoy Mahabharat. ग्लानिर्भवति भारतम् अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां
धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जहाँ पे वो पूरे सरेंडर में है टू श्री कृष्णा टू कम एंड प्रोटेक्ट हर एंड टेक केयर ऑफ हर। इट्स सो इम्पॉर्टेंट फॉर अस ऑल्सो इन लाइफ टू बी एबल टू सरेंडर टू द डिवाइन। अ लॉट ऑफ टाइम्स वी थिंक वट एवर हैज़ टू बी डन बाई अस एंड देर इज नो बडी एल्स हु टेक केयर। सो फॉर मी द लेसन आउट ऑफ दिस ब्यूटिफुल पीस इज दैट वेन यू सरेंडर टोटली 100% एंड पुट अप योर हैंड्स एंड से ओवर टू यू गॉड इज वेन यू बिगिन टू सी मैजिक ओपनिंग अप इन योर लाइफ। सो विद दैट लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। थैंक यू। ये है मेरी गुरु माँ की परफॉर्मेंस। मन भाए रे अतिथि ना तभी तो अतिथि तो सही तभी तभी तो अतिथि तो सही तभी तभी तो सही 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 तभी तभी तो अतिथि। ये हमारी छोटी बच्चियों का सेमी क्लासिकल डांस है और ये डांस हमारी साहिबा ने प्रिपेयर करवाया है और ये इतने क्यूट लगते हैं ना बच्चे डांस करते हुए और इतने सुंदर सुंदर एक्सप्रेशंस देते हैं। और अब है परफॉर्मेंस बेली डांस की। अदिति स्टूडियो में बेली डांस भी सिखाती है और ये स्पेशली ट्रेंड है। इंटरनेशनल आर्टिस्ट हैं, परफॉर्मर हैं काव्या विश्वनाथन, उनसे इन्होंने ट्रेनिंग ली है और ये अपने स्टूडियो में ये सारी लड़कियों को बेली डांस सिखाती है। और स्टार ये अदिति के पीछे जो दो लड़कियाँ खड़ी हैं ये स्पेशली बैंगलोर से परफॉर्म करने आई हैं। अब शुरू हो गया है हमारे टाइनी टॉडलर्स का बॉलीवुड डांस। तो इनके बाद फिर सारा बॉलीवुड सेक्शन शुरू होगा और ये सारे बॉलीवुड के जो नंबर्स हैं ये सारे रजत ने कोरियोग्राफ करे हैं और रजत बहुत डेडिकेटिंगली अपना बॉलीवुड कोरियोग्राफ करता है और प्रैक्टिस करवाता है। तो अब है परफॉर्मेंस सालसा और बचाता की। तो आपको ये पता ही होगा कि मैं भी सालसा और बचाता परफॉर्मर रह चुकी हूँ। तो पहले हम सब सालसा करते थे स्टूडियो में, बहुत सारी सोशल्स में भी जाते थे। तो उसके बाद हमारे जो टीचर थे वो शिफ्ट हो गए, अदिति बैंगलोर में थी, अदिति भी शिफ्ट हो गई थी पढ़ने के लिए, तो हमारा ग्रुप जो था थोड़ा अलग हो गया। उसके बाद हमारा सालसा जो है वो रह गया था, छूट गया था। तो अब अदिति ने दोबारा स्टूडियो में सालसा सिखाना और करना शुरू किया है। तो अभी हमारा ग्रुप बन रहा है, जब हमारी टीम बन जाएगी हम फिर से सोशल्स में जाया करेंगे। इस बार के थीम में है कि प्लेज लेना है सभी ने एक, और ऑडियंस भी प्लेज लेगी कि वो अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ एक्टिविटी तो करेगी। सारे आए हैं स्टेज पे, ये सारी लेडीज जो हैं ये डॉक्टर्स हैं और ये है डॉक्टर जसलीन रंधावा, ये मेरी गायनी भी है और ये मुझे बहुत अच्छा गाइड करती हैं। इनकी गाइडेंस के अंदर ही मैंने अपना सारा डांस परफॉर्मेंस इस बार प्रैक्टिसेस करी हैं और इन बिटवीन में अपना चेकअप करवाने भी गई हूँ कि सब कुछ ठीक है। तो ये मेरा बहुत ख्याल रखती हैं और मुझे बहुत अच्छे से बताती हैं। इन्होंने ही कहा था कि प्रेगनेंसी से पहले जो करते हो वो आप बाद में भी कर सकते हो, उसको कंटिन्यू रखो। नर्वस बिकॉज ऑफ दिस लोटस चेस व्हिच इज गिवन टू मी बिकॉज इन्होंने मुझे पकड़ लिया। निधि इज बीन निधि एंड लीना फ्रेंड्स एंड दे हैव बीन टेलिंग मी सिंस इयर्स दैट आई नीड टू प्रॉब्ली बी अ पार्ट ऑफ दिस डांस ग्रुप और डू समथिंग व्हिच आई एंजॉय। Really speaking, I had goosebumps when I was seeing all these kids performing and the ladies and the professionals especially performing. I felt like I'm missing on something. Really, I'm really missing on something. I should be doing something great like all of you. I think the performers were good. The audience was great. I think somebody behind all of these dancers was
was somebody, I think, who's sitting in the audience and who's working hard to bring them here on the stage. I think a big round of applause to all the people who have been behind these dancers, brilliant dancers. And also we need to learn so many things from the kids who are performing with full energy and the smile and expressions. I think we somewhere lose on all that expression these days because we are so concerned about how people are looking at us or judging us. I think this is another one learning that I got from all the kids that we don't need to be, you know, value all those people who are just looking at us. I was just, mera phone doge udhar se please. I just thought that I'll read this. I don't know. I've never read any poetry, but I just thought so. Yeah, I'm beginning my pledge probably. मुझे बड़ा अच्छा लगा और ये सबने सुना ही होगा. This is Harivansh Rai's poetry. So I just wanted to say because आप सब लोगों ने, जिन ladies ने भी यहाँ perform किया, they have probably done this to themselves. मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही, कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं. सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे, सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे, अपनी हद को रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे. सो आई थिंक अंतरा इज लाइक दैट. बहुत आई एम श्योर निधि को बहुत दिक्कतें आई होंगी, द फैमिली, द प्रेशर्स, द जजमेंट्स दैट द पीपल पास, बट आई थिंक शी इज गॉन बियॉन्ड हर सेल्फ एंड ईच वन ऑफ यू. यू हैव क्रॉस्ड बाउंड्रीज एंड यू हैव बीन हियर. ब्रिलियंट परफॉर्मेंस. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर bringing me on the stage and making me pledge today. So I probably see, because maine wahan pe thoda blank chhod diya tha, singing, dancing or reading, whatever. So I'll just fill it up and maybe try all the three. And I commit to all my friends, Nidhi and Leena. So they are wonderful people. They are inspiring me every day, every moment. Thank you so much. Thank you, Nidhi. Thank you, Leena. See, Rajmi itni achhi achhi baatein kar rahi hain. पर तुम अकेले कुछ नहीं कर सकते. तो ये जो दो लोग खड़े हैं यहाँ पर, लीना और रश्मि, इनके कारण हम एलपीयू में हैं आज. सो अंतरा वॉज अ स्मॉल स्टूडियो एंड उसको बड़ा बनाने में कहीं ना कहीं इन दोनों का बहुत बड़ा हाथ है. सो दिस ड्रीम कैचर नेम, इट केम फ्रॉम लीना. बहुत बड़ा वाला. सो मैं अभी इसी मोमेंट पे आई जस्ट वॉन्ट टू थैंक देम फॉर वॉट दे हैव डन फॉर मी. रजत की जिस बॉलीवुड कोरियोग्राफीज़ की मैं बात कर रही थी वो अब शुरू हो रही हैं. तो ये हमारा टीनेजर ग्रुप है, हमारे अब के आते हुए सीनियर बच्चे, तो अभी अपना बॉलीवुड परफॉर्म करेंगे. इसके बाद फिर बहुत सारी लेडीज़ और पूरा ग्रुप जो है वो बॉलीवुड परफॉर्म करेगा. मैं ना चुपके चुपके वीडियो बना रहा हूँ, ये प्लेज लेने के लिए दिया था और इसने इसकी छतरी बना दी है. देखो खेलने लगा हुआ है. प्लेज प्लेज तो इसने क्या लेना है, इसको कोई लेना देना नहीं है, लगा हुआ है अपना खेलने. आज किए गए निर्णय भविष्य में सुख अथवा दुख निर्मित करते हैं. Prabjot has been associated with me and she is here today from Patiala. From last 15 days she is helping me out in organizing all, wherever I get stuck. Thank you, Prabjot,
and her husband is here helping us with the videos. Thank you, Girish. Close with a beautiful closing number and get ready to be mesmerized by Dreamcatcher 2023 yet again. Thank you. अभी अभी इनकी परफॉर्मेंस खत्म हुई है तो बहुत ज्यादा अच्छे कृष्ण बने हैं। वो देखो खुद राधा बने हैं और प्रभु कृष्णा बन रही है, उल्टा कर रहे हैं। सर आप कृष्णा बनो ना आप मुकुट पहनाओ रवि सर को, पहनाना रवि सर को मुकुट पहनाना, पहनाओ रवि सर को। फोटो क्लिक हो रही है। अजय देवगन को लग रहे हो परफॉर्मेंस करके घर जाने लगे हैं, तो कैसा लगा आपको? मुझे क्या, आप बताओ आपको कैसा लगा? हमें तो बहुत अच्छा लगा आपको? वो जो दुपट्टे वाला था ना, ऐसे ऐसे लग रहा था रियल स्टिक है पूरा, एकदम रियल लग रहा। और नन्नू को द्रौपदी का क्या बोलते हैं, चीर हरण। हाँ जी बहुत अच्छा वो वाला। मेकअप कब उतारोगे? घर जाके। ये स्टेज का मेकअप दोस्तों थोड़ा ओवर ही होता है, तो आप ऐसे कमेंट मत करना कि इतना। स्टेज का जो स्टेज पे परफॉर्म करते हैं उनको पता होगा कि स्टेज पे थोड़ा, क्योंकि दूर तक दिखाना होता ना, हाई हाई करना पड़ता है, हर चीज को हाई करना पड़ता है, एक्शन भी, जेस्चर भी, वॉइस। अगर नाटक कर रहे हो तो वॉइस बहुत लाउड करनी पड़ती है। ये बात है। तो चलो जी अब घर की तरफ चलते हैं। रवि सर भी हमारे साथ घर में जा रहे हैं, तो अभी हम जा रहे हैं ढाबे में खाना खाने, तो घर में जाके कौन बनाएगा, थके हुए हैं सभी, है ना। तो रवि सर को भी साथ लेके जा रहे हैं। रवि सर बाइक में है वैसे, तो अब चल रहे हैं ढाबा। जी सभी पहुंच गए रेस्टोरेंट। क्या खाओगे? लोग भी देख रहे होंगे कि घर के कपड़ों में मेकअप करके क्यों घूम रही है। वो भी इतना डरावना। और रवि सर कैसे हो? देखे दाल मखनी क्यों नहीं ऑर्डर कर रही है आपने? नहीं मैंने कुछ देख लिया था।
रवि सर आगे आगे जा रहे हैं बाइक पे, क्योंकि उन्होंने सुबह ड्यूटी पे भी जाना है, तो रवि सर अपनी बाइक पे ही आगे आगे जा रहे हैं, हम पीछे पीछे गाड़ी में। घर में पहुंच गए हैं, नोबिता का फूड, और नोबिता ऋषु के घर में था और ऋषु हमारे साथ था। ऋषु की मम्मी करते हैं टेक केयर उसकी। हमारा बेटा उनके पास, उनका बेटा हमारे पास था। हाँ, पागल हो रहा है, किससे मिलूं किससे ना मिलूं, इतने सारे लोग आ गए। अभी रवि सर भी आए हैं, नोबिता के फेवरेट। वो देखो रवि सर, और मिलने दे रवि सर को, मिलने दे। ऊपर अंदर जाते ही मेकअप उतारने लग गई है, हैं? ये कह दे, बिस्तरे का हाल देखो क्या कर रखा है। घर तो बड़ा सवार दिया अपना ससुराल, मायका कौन सवारेगा, हैं? मायके का वैसे का वैसे हाल हो रखा है। ये देखो, ये कहता है हंसनेस कर रखा है हर जगह। सुबह जल्दी जल्दी तैयार होके वो आपकी किताबें, अब तो संभालो इसको, पेपर भी हो गया। आज तक बिजी थी ना, अब फ्री हुई हूँ, अब आराम से कर लूंगी सारा काम। ये देखो, ये आई से अच्छा, अच्छे हैं मेरे सेंटा ने। ऐसे पहले भी तो लिए थे आपने, शादी वाले ऐसे से थे, शादी वाले लहंगे के साथ? नहीं, ग्रीन ग्रीन याद करो, मैंने अपना ग्रीन वो लिया था गले का। हाँ, आपने एक, मेरी रेंटल थी ज्वेलरी। अच्छा, अभी रात को होने लगी है लूडो का टूर्नामेंट, तो ये चारों जने खेल रहे हैं लूडो, और मैं लूंगी इन सबके मजे, और मैं जीतूंगी, मैं सबकी गोटियां कटवाऊंगी, जिसकी कटरी होगी मैं बताऊंगी, ठीक है सबको? वो तो बिल्कुल मत करना। नन्नू की तो सबसे ज्यादा बताऊंगी मैं, पिछले नन्नू हार गया था ना। हाँ, नहीं प्रिया दीदी हारे थे, मैं नन्नू हार गया था, नन्नू हारते ही रहता है। आ गया, और इधर देखो, इधर अलग लूडो चल रही है इनकी। आर या दो, चार या दो, दो दो चार या दो, दो चार या दो, एक पीछे करो, पिक दूंगा आपको, पीछे कर रहे हैं। छह छह, ओ जी कौन जीता बेटा? रवि सर कहने वाला जीजू है। अभी तो तू बड़ा शोर मचा, जीजू ने नहीं जीतने देना, जीजू ने नहीं जीतने देना, है फिर जीत गया है, अपनी दो कटवा ली। रवि सर का साथ दे रहा था मेरे को कटवाने के लिए, रवि सर इसको काट रहे थे और रवि सर ने दो इसकी काट दी। वेरी गुड रवि सर, आपसे यही उम्मीद थी। उनका है ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। मुझे पीटना पहले पसंद है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे अपना गोटी दो तीन की हो जाए। छह आ गया, अभी भी दे ले, अभी भी कह रहा है ये लाओ हाँ। मम्मी को काटो, मम्मी को काटो। मैंने कब कहा जीजू को नहीं आगे जाने देना, जीजू को काटो, जीजू को काटो। मैंने कहा था ना, जीतेगा भी जीतेगा, मेरा पति जीतेगा, जीत गया ना फिर। बोल क्यों नहीं रहा अब तू कुछ? आशा रा बापू जी, नहीं आशा रा नहीं है, केड़ा बाबा पौंदा आएगा, पौंदा आ कोई बाबा इदे। तो ठीक है दोस्तों, ये वीडियो, ये व्लॉग यहीं तक था। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलना। टाटा बाय बाय।